और मैं अनिल सैनी स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि आज हम अपने वीडियो में क्या बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि एक जो हमारे पास टैंक है या फिर हम कह सकते हैं ड्रम है, इसके अंदर काफ़ी दिनों से पानी स्टोर कर रखा था, कुछ भी काम के लिए हमने जैसे घर पे करके रखते हैं। तो दोस्तों उस पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अगर हम उस पानी को ढक कर नहीं रखेंगे तो उस पानी के अंदर धूल मिट्टी आदि ऐसे कण जाने की वजह से उसमें कुछ बीमारियां और कुछ कीड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं उन्हीं कीड़े या फिर हम कह सकते हैं जो उस पानी के अंदर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं, उनसे होने वाली बीमारियाँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, तो मैं आज वही बैक्टीरिया आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों पानी में आप ये जो देख रहे होंगे धीरे धीरे, यहाँ देखिए ये काफ़ी मात्रा में ये चल रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ ये चल रहे हैं कॉर्नर पर, यहाँ पर आप देखिए ये जो है कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया मूव होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे हैं इसलिए हम इसको आसानी से देख नहीं पाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ये देखिए मूव होते हुए दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो हैं हमेशा ऐसी जगह पर उत्पन्न होते हैं जैसे हमारे घरों की टंकियाँ होती हैं जहाँ पर पानी स्टोर करके हम घर के लिए भी रखते हैं घर के यूज़ करने के लिए। तो ये जो है ये देखिए यहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये थोड़े से दूसरे टाइप के हैं और ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे ये काफ़ी छोटे हैं, मूव होते हुए दिख रहे होंगे। ये देखिए ध्यान से देखिए ये जो हैं कुछ ऐसी घातक बीमारियों के सोर्स बनते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। और इनसे बचने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम कि आपको या तो क्लोरीन की गोलियां जो टैंक के अंदर अगर आप डाल सकते हैं तो उनको डाल करके आप इन कीड़ों को मार सकते हैं, जिससे कि ये कीड़े जो हैं ऊपर की तरफ आ जाएंगे और उसे आप किसी भी जाली से छान करके उनको बाहर फेंकते हैं। दूसरा मेथड है दोस्तों आप टैंक के अंदर फिटकरी को डालकर भी अपने इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फिटकरी होती है फिटकरी भी कीड़ों मकोड़ों को जो पानी के अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं उनको मारने में बहुत ही सहायक होती है। तो उसमें भी यही होता है, फिटकरी को भी एक अमाउंट में हम टैंक के अंदर डाल देते हैं जिससे कि ये कीड़े सारे मर जाते हैं और फिर इसको हम पानी को छान करके अलग कर देते हैं जिससे ये सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो दोस्तों कुछ भयानक और ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए आपको आपके घर में ये बैक्टीरिया जहाँ भी उत्पन्न होते हैं वहाँ पर ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना होगा। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी और भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय इस टैंक के ऊपर या फिर मैंने ये पानी जो है ड्रम के अंदर भरा हुआ है तो अभी फ़िलहाल में ऊपर आ चुके हैं, इसमें अगर हम फिटकरी डाल दें तो ये सारे कीड़े बैक्टीरिया सब मर जाएंगे और फिर हम इस पानी को छान के अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।